डियर फ्रेंड्स, केला की खेती से बहुत अच्छे आमदनी की गुंजाइश है, लेकिन यह तभी संभव है जब आपका पौधा जो है वो कीट व्याधियों से मुक्त रहे। तो इसके लिए केवल आपको रसायन पर निर्भर नहीं रहना होता है। कोशिश करें कि कुछ समेकित उपाय करें जिससे ये पौधे जो है आपके निरोग रहे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्टेम विविल की। ठीक है, विविल का मतलब होता है एक तरह का वो सूढ़ी हुआ, ठीक है, ये हार्ड कीट होता है, चित्र में आपको दिखा रहे हैं। तो दरअसल ये जड़ के पास से घुसता है, ठीक है, लेकिन ये अंदर अंदर जो है ना केला का जो ये छद्म तना है उसमें जो है प्रवेश ऊपर की ओर फिर करता है और क्या करता है कि पौधे को कमज़ोर कर देता है। आप कभी कभी देखे होंगे, बहुत आसानी से दिख जाता है जहाँ ये कीट लगा हुआ है, छिद्र दिखाई पड़ता है स्टेम में और वह केला जो है अंदर ही अंदर कमज़ोर हो जाता है और वो सूख जाता है। यह जुलाई से अक्टूबर तक जो है इसका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने शिशु पौधे का उपचार जो है वो किसी अच्छे कीट राशि से कर लिया है, मसलन इमिडाक्लोप्रिड से अगर कर लिया है, 1 लीटर पानी में 0.5 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड डाल करके, या जैसा कि पहले मैंने बताया है कि 1 लीटर पानी में क्लोरोपाइरीफॉस अगर आपने 2.5 ml डाल करके, ठीक है, और तब जो है उस शिशु पौधों का उपचार कर लिया है, तब संभावना नहीं रहती है कि स्टेम विविल आपको जो है लगेगा। फिर भी अगर लगता है तब क्या करेंगे, तो 10,000 ppm एजेडिड एक्टिन जो है जो किसी भी इनपुट विक्रेता के यहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा, इसको रखिए 4 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर, इसको आप 5वें, 6ठे और 7वें महीना में, ठीक है, छिड़काव कीजिए और बहुत अच्छे तरीक़ा से पौधे को आप भिगाइए। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जो स्टेम विविल है उसका प्रबंधन एक हद तक हो जाता है। आप एक और काम कर सकते हैं कि आप फिप्रोनिल का भी जो है ना छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है, क्लोरोपाइरीफॉस का भी छिड़काव आप कर सकते हैं, ठीक है, इससे शकर का तो ट्रीटमेंट किया ही था और इससे आप छिड़काव भी कर सकते हैं। अब यहाँ नीम केक का इम्पोर्टेंस आपको हम बता रहे हैं। अगर आपने गड्ढा में तैयार करने के समय, गड्ढा भरने के समय, ठीक है, पौधा लगाने के समय नीम की खल्ली का प्रयोग किया है पौधों में, तो स्टेम विविल लगने की संभावना कम रहती है। फिर भी आप बाद में भी पौधों में 100 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से चौथे सप्ताह, चौथे महीने में और 8वें महीने में, ठीक है, आप नीम की खल्ली का जो है प्रयोग करें, ठीक है। और एक और बड़ी बहुत ही रोचक जानकारी, जो ये आपका तना होता है, कुछ तने ऐसे ही बेकार भी रहते हैं या उसी में से कोई एक आधा आप निकाल लीजिए, उसका छोटा छोटा आप इतना इतना बड़ा पीस बना लीजिए जैसा कि चित्र में दिखा रहे हैं, ठीक है, भी ऐसे काट काट करके, ठीक है, उसका आप पीस बना लीजिए और उसको बीच से फिर फाड़ दीजिए, ठीक है, डिस्क की तरह लगेगा कि ये डिस्क है, उस डिस्क को बीच से फिर फाड़ दीजिए। और फाड़ने के बाद क्या करिए कि उसका जो पोर्शन है जो फटा हुआ, उसको आप मिट्टी के पास सटा करके रख दीजिए, ठीक है, और केला के पास रखिए, जो मुख्य आपका केला का पौधा है उसके पास। क्या होगा कि विभिल जो है उसको जब खाने का मन करेगा तो वो उसमें नहीं जा करके आसानी से ये मिलेगा, इसमें आएगा। अब आपको इसको चुन चुन करके 1-2 दिन पे हटाना होगा। लेकिन अगर आप ब्यूहेरिया बेसियाना का इस्तेमाल कर देते हैं, ब्यूहेरिया बेसियाना जो है वो बेसिकली एक जो है बायो एजेंट, उसको कहिए बायो पेस्टिसाइड, उसका अगर आप भुड़काव करके, ठीक है, उसको पानी में घोल करके और उससे जो है ना ये केला के जो का जो डिस्क सब है इसको उस पर सटा करके, ठीक है, ऐसे स्वैबिंग करके और तब आप रखते हैं, तो क्या होगा कि ब्यूहेरिया बेसियाना का ये खासियत है कि जो ही ये विविल जो है ब्यूहेरिया बेसियाना उसके शरीर पर जो है वो चिपक जाएगा, उसके शरीर पर ही अपना घर बनाएगा और धीरे धीरे उसको जो है ना इसके स्पोर्स जो हैं ब्यूहेरिया बेसियाना फंगस के वो उस
विभिल को कमज़ोर कर देंगे, मार देंगे अंदर तक घुसकर। ठीक है, तो ये ब्यूवेरिया बेसियाना का बहुत बड़ा योगदान है केला की खेती में। तो इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह का ये ट्रैप हुआ। ठीक है, तो इसके अलावा आप देखिए कि एक इसमें लगता है बंची टॉप बीमारी। आपने देखा होगा कि केला जो है वो तो उसका विकास रुक जाता है और जो ऊपर में लगता है कि बिल्कुल गुच्छा की तरह हो गया, जैसा नाम से ही लगता है बंची टॉप। ठीक है, तो दरअसल एक वायरल डिजीज़ है और ये बनाना एफिड यानी बनाना में एक प्रकार का जो लाही लगता है उससे होता है। ठीक है, और ग्रोथ पौधे का जो है वो रुक जाता है, उसमें फलन भी ठीक से नहीं होता है। इसमें भी आपको ब्यूवेरिया बेसियाना जो है कमाल का काम करता है। तो ब्यूवेरिया बेसियाना अगर आपको इस्तेमाल करना है तो और अच्छा होगा कि 100 गुना उसको आप कंपोस्ट में मिला लें। ठीक है, और ब्यूवेरिया बेसियाना 100 गुना कंपोस्ट में मिलाने के बाद जो है आप क्या करें कि इसको जो है ना आप पौधे के पास भुड़काव करें। इससे क्या होगा कि एफिड्स वगैरह जो है वो भी कम होंगे, और ख़ास करके विभिल में तो इसका काफ़ी जादू देखा गया है। लेकिन आप इसी ब्यूवेरिया बेसियाना का, ठीक है, 5 ml लिक्विड में भी मिलता है, प्रति लीटर पानी में घोलकर अगर आप छिड़काव करते हैं ब्यूवेरिया बेसियाना का, ठीक है, तो इससे भी जो है ना ये एफिड्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। नॉट ओनली एफिड्स केला में, और भी बहुत सारे पौधों में जो थ्रिप्स वगैरह लगते हैं इससे ख़त्म हो जाते हैं, या नहीं तो फिर थायमेथोक्सैम जो है ये लगभग जो है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर इसका भी जब आप छिड़काव करेंगे तो क्या होगा कि बंची टॉप बीमारी पैदा करने वाला ये जो एफिड्स है वह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हो ही गया तब आप जो है उस पौधे को बिल्कुल बिना सोचे समझे कोशिश करें कि हटा दें, उसे नष्ट कर दें। ठीक है, नहीं तो इसके फैलने की भी संभावना रहती है। अब आइए देखते हैं सबसे खराब सबसे घातक बीमारी केला का, जिसने अल्पान, इसने जो है खास करके मालभोग में तो बहुत ही कहर ढाया, और बिहार यूपी और कई ऐसे सारे प्रदेशों में, ठीक है, पनामा विल्ट जो लगा उसके कारण काफ़ी किसान हमारे हतोत्साहित हो गए। दरअसल पनामा विल्ट जो जब लगता है तो लगता है कि केला का पत्ता जो है पुराना पत्ता वो धीरे धीरे झोकरने लगा, वो जलने लगा, वो पीला होने लगा, ठीक है, और खस्ता होने लगा, वो टूट जाता है, और जो तना है वो अभी उसमें कहीं कहीं क्रैक आ जाता है। ठीक है, और ये बाद में नए पत्तों पर भी चला जाता है। लगता है कि ये पौधा झुलस गया है, और ये फ्यूसेरियम ऑक्सीपोरम और उसका एक स्ट्रेन है, ठीक है, उसमें टी आर फोर रेस है इसका, ठीक है, फ्यूसेरियम ऑक्सीपोरम एफ स्पेसिस क्यूबेंस कहा जाता है। आप ये जानिए कि ये जो पनामा विल्ट है, पनामा इसका नाम क्यों पड़ा, तो सबसे पहले तो इसको ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था 1874 में, उसके बाद जो है ये पनामा में भी देखा गया 1890 में, फिर बंगाल में आया, इस तरह से अब तो पूरे विश्व में कई जगहों पर ये फैल गया है पनामा विल्ट, और अब वैज्ञानिक जो है काफ़ी इसके लिए चिंतित हैं और इसका कुछ उपाय भी लोगों ने निकाला है। दरअसल एक सॉयल बॉर्न फंगस है ये, ठीक है, मिट्टी जनित ये जो है ना कवक है, और ये प्लांट वेसल को ही डैमेज कर देता है, जिससे जो है ना उसको अंदर अंदर ये सड़ा देता है। ठीक है, और पूरा पौधा जो है वो लगता है कि धीरे धीरे झुलसा हुआ दिखाई पड़ने लगता है। तो यही है हमारा पनामा विल्ट, इसमें जो है ना फ्रूट सेट भी नहीं होता है ठीक से। और ये होता कैसे है, जहाँ पर इसका प्रकोप हो गया तो एक पौधा से दूसरे पौधा में सिंचाई के पानी से, फिर आपके चलने से, जूता वगैरह पहन के जो चल रहा है उससे, कुछ कृषि के औजार वगैरह हैं उससे, कटिंग करने वाले चीज़ों से, ये उससे इसका फैलाव होता है। इसका कोई एक उपाय नहीं है, इसका सबसे कारगर उपाय है कि मिला जुला उपाय किया जाए। तो क्रॉप रोटेशन अगर आप अपनाते हैं, ठीक है, फसल चक्र अगर आप अपनाते हैं, तब जो है संभावना रहती है कि यह कम आएगा, या हो सकता है कि नहीं आए। सकल ट्रीटमेंट यानी शिशु पौधे का ट्रीटमेंट जो है प्रारंभ में ही आपने अगर बेविस्टीन से कर लिया है, ठीक है, तो उससे जैसा कि मैंने पहले बताया था, ठीक है,
तो भी जो है इसके आने की संभावना कम हो जाती है। और स्यूडोमोनास जो है उसका प्रयोग अगर आप प्लांट में करते हैं, गड्ढा भराई के समय करते हैं या पौधा लगाने के समय या उसके बाद, इस स्यूडोमोनास का प्रयोग 2-3 बार आप जब जो है गोबर की खाद में मिलाया हुआ स्यूडोमोनास जब डालते हैं तो इससे भी जो है ना ये पनामा विल्ट जो है इसका रोकथाम होता है, ये नहीं आता है, ठीक है। और आप जैसे बेविस्टीन हुआ, कार्बेंडाजिम, उससे जो है ना आप ड्रेंचिंग भी करें भली भांति पौधे के जड़ के पास, जो है ना बेस के पास, इस मिट्टी को जो है ना आप भिगो दें, तब ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि ये पनामा विल्ट के आने की संभावना नहीं रहेगी। बहुत इम्पोर्टेंट एक रिकमेंडेशन है, ICR के वैज्ञानिकों ने, खास करके जो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है वहाँ लोगों ने एक फ्यूसी ऑन्ट करके एक अपना डेवलप किया है, ठीक है। और वो दरअसल ट्राइकोडर्मा के एक स्ट्रेन ट्राइकोडर्मा इसी पर आधारित है, हालांकि ये हमेशा उपलब्ध नहीं रहता, लेकिन आप चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ वैज्ञानिकों ने जो है एक देखा है खोज करके कि जो टेबुकोनाजोल है, ठीक है, टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राईफ्लॉक्सी एस्ट्रोबीन ये 25%, इसका जो एक कॉम्बिनेशन है मिला जुला, तो ये जो कॉम्बिनेशन है आप इसका अगर छिड़काव करते हैं तो इसको काफ़ी इफ़ेक्टिव जो है पाया गया है पनामा विल्ट पर, ठीक है। और यहाँ पर हमको लगे हुए बता देना चाहिए कि केला की खेती जब आप करें तो कोशिश करें कि पहले जो है ग्रीन मैन्यूरिंग अगर किया हुआ है, हरी खाद आपने उस खेत में उपजाया हुआ है, तब केला का फसल जो है आपको निरोग रहेगा, उसमें खाद वगैरह की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। दूसरा रिकमेंडेशन ये है कि जहाँ आलू वाले जो सब्जी हैं, आलू वर्गीय सोलोनेसी कुल के जो सब्जी हैं, ठीक है, आलू परिवार के, से टमाटर मिर्ची आदि, उसको जो है ना केला के आसपास भी नहीं लगावें, और केला के बीच में तो लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। इसमें आप वही दलहन कुल के कुछ पौधों को लगाएं, फिर उसको पलट भी दें और पहले से पलटी किया हुआ है फिर उसमें लगाते हैं, ये बहुत अच्छा मतलब रिकमेंडेशन है, तो इसको आप जो है ना ज़रूर करें। एक बोरोन का भी रिकमेंडेशन है कि बोरोन यानी सुहागा की कमी से आप देखते होंगे कि कभी कभी केला का पत्ता थोड़ा मुड़ा ही रह जाता है, वो ठीक से खुल नहीं पाता है, पौधा कमज़ोर दिखता है, फल भी लगता है, न केवल केला में कहीं और भी दूसरे जगहों पर उबड़ खाबड़, ठीक है, बेतरतीब बेडौल टाइप का फल लगता है, और इसमें केला में जो है वो बीड़ जिसको कहते हैं वो पूरा खुलता नहीं है, कभी कभी लगता है कि उजला 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 ऐसे जो है ना उस पर धारी भी दिखाई पड़ता है। तो बोरोन का इस्तेमाल आप करें, आप इसके लिए जो है ना 1 ग्राम बोरोन 1 लीटर पानी में घोल करके और ख़ास करके फूल आने के पहले एक बार छिड़काव करें, ठीक है, तो फिर 10 दिन के बाद एक बार छिड़काव करें तो क्या होगा कि बोरोन की डेफिशिएंसी जो है वो नहीं होती है, बहुत अच्छा फलन होता है। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ ज्ञान गार्डन को आप जो है सब्सक्राइब करेंगे और पहले की तरह आप इसे अपना प्यार देंगे। थैंक यू।